अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग सब। हम आज बनाने जा रहे हैं न्यू रेसिपी दम अंडे की। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप लोग तो घर में बनाते होंगे, इंशाल्लाह इस तरह से भी आप लोग बना के ट्राई कीजिए। आपके मेहमानों को भी खिलाइए, आपके घर के फैमिली मेम्बर्स को भी खिलाइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट को में बताइए कि आप लोग को मेरी न्यू रेसिपी कैसी लगी। चलो मिलते हैं हमारी वीडियो में। हमने चार अंडे लिए हैं, कुछ कोथमीर लिए है और यहाँ पर हमने चार मीडियम साइज़ की प्याज को हमने फाइनली चॉप किए हैं। और ये हमने सूखे मसाले लिए हैं, 2 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून बड़ा भरकर अंडा मसाला, और ये 1/2 टेबलस्पून हमने लिए ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून हमने लिए धनिया पाउडर। और यहाँ पर हमने कुछ हरी मिर्ची लिए है और 2 बड़े टमाटर लिए, इसको हमने रफली चॉप कर दिए, और कुछ कड़ी पत्ता लिए है। रहमान रहीम, सबसे पहले एक मिक्सर का जार लेंगे, उसमें हम जो चॉप की हुई प्याज है वो ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेंगे प्याज का। यहाँ पर हमने एक पैन में 100 ग्राम की जितना तेल ऐड की है उसको हम अच्छे से गरम करेंगे। इसके बाद हम 1/2 चम्मच राई डालेंगे। इसके बाद हम कुछ कड़ी पत्ते इसमें डालेंगे। इसके बाद हमने जो प्याज का पेस्ट बनाए थे वो इसमें ऐड करेंगे। अगर आप लोग चाहो तो गिरिस्ता भी बनाकर इसमें डाल सकते हो। प्याज का अगर डालेंगे, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप लोग पीस कर भी इसमें डाल सकते हो। इसको हम अच्छे से थोड़ा प्याज को नरम होने तक इसको चलाते रहेंगे। प्याज थोड़ी सी नरम हो रही है, इसके बाद हम थोड़ा सी लाइट ब्राउन प्याज का कलर आने तक हम इसको रख देंगे। उसके बाद हम एक मिक्सर जार में थोड़ी सी हरी मिर्ची और टमाटर जो हमने काटे थे वो पीस लेंगे। देखिए प्याज में लाइट ब्राउन कलर आ चुका है। अब इसके बाद हम 2 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। उसको भी अच्छे से हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे। अब इसके बाद हरी मिर्ची और टमाटर का पेस्ट इसमें डालेंगे। अब इसको चलाते हुए हम अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद हम सारे सूखे मसाले इसमें डालेंगे। ये थोड़ा सी भून जाए, तेल ऊपर आ जाए, इसके बाद हम सारे सूखे मसाले इसमें डालेंगे और फिर से इसको भूनते रहेंगे। अब इसके बाद हम सूखे मसाले ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और यहाँ पर हमने अंडा मसाला लिए है। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। अंडा मसाला डालने से क्या है, टेस्ट और भी आता है। ये दम अंडे का सालन है, इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपके घर में मटन, मच्छी या चिकन नहीं है तो आप इस तरह से भी अंडा मसाला बनाकर खा सकते हो। इसमें बॉयल का नहीं है झंझट, इसको हमको डायरेक्ट फोड़ कर इसमें ऐड करना है। इसको भी हम अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे 1 से 2 मिनट। इनको हम लो कर देंगे, उसमें 50 ग्राम दही को अच्छे से फेंट कर ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स करते हुए दही को मसाले के साथ अच्छे से हम भून लेंगे। यहाँ पर हमने एक प्याली पानी इसमें ऐड किए है ताकि अच्छे से मसाले हमारे भुने जाए, और उसमें हम हसबे जायका नमक ऐड करेंगे। अब इसको हम अच्छे से चलाते हुए 5 मिनट अच्छे से भून लेंगे। देखिए मसालों में अच्छी तरी आ गई है, मसाले टोटली पूरे भून चुके हैं। अभी हम इसमें 1 प्याली पानी ऐड करेंगे। आप लोग इसको सूखा भी रख सकते हो। हमने थोड़ा सी पानी इसके लिए ऐड किए ताकि इसको हम चावल के साथ भी खा सकें। आप लोग इसको रोटी से, खिचड़ी से, पाव से, कोई भी चीज़ों के साथ आप इसको सर्व कर सकते हो। अब इसको हम अच्छे से कर देंगे मिक्स, एक बॉईल आने तक इसको रखेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अंडे। देखिए मसालों में अच्छा बॉईल आ गया है। अभी हम 1-1 अंडा ऐसा ऐड करते जाएंगे, चारों तरफ हम 1-1 अंडा ऐड करते जाएंगे कोने कोने में।
चार अंडे हमने इस तरह से फोड़ कर इसमें डाल दिए हैं। हमारे घर में चार जने, वो हिसाब से हमने ऐड किए। अगर आपके घर में फैमिली ज़्यादा है तो आप लोग ज़्यादा अंडा भी इसमें डाल सकते हो। अब इसके बाद हम थोड़ा सी इसमें गरम मसाला पाउडर स्प्रिंकल करेंगे, ज़्यादा नहीं, एक दो तीन चुटकी। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी कोथमीर ऐड करेंगे। अब इसके बाद हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि अंडे अच्छे से ऊपर से नीचे से चारों तरफ से हमारे अंडे अच्छे से पक जाए। अभी हम इसको 10 मिनट हो चुके हैं, अभी हम चेक करते, देखिए माशाल्लाह, देखिए मेरे अल्लाह की शान, प्यारी लग रही है हमारी अंडे की रेसिपी। चलिए दोस्तों, अभी हम गैस को कर देते हैं बंद। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह की बरकत, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना, मज़ेदार, देख के आपके मुंह में इंशाल्लाह पानी आएगा, देखना दोस्तों। और बनाने के बाद तो आपके घर वाले ही इस कदर आपकी तारीफ़ करेंगे। गोश्त का सालन भी फेल है दोस्तों इसके आगे। देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया लग रही है हमारी दम अंडे की सालन की रेसिपी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपके घर में मेहमान है तो आपके मेहमानों को भी इंशाल्लाह ज़रूर बना के खिलाइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए हुए बटन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नई नई वीडियो आप लोग को देखने मिली। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।